और बड़े स्पष्ट तरीके से कई आंकड़े तो इन्होंने बताने का काम करा है, लेकिन कई आंकड़े मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कुछ इनमें आंकड़े गलत भी है। जैसे कि माननीय मंत्री महोदय जी ने जिक्र करा टोटल नंबर ऑफ केसेस का और उनके रिलेटेड जो डेथ्स हुई, तो मैं एक छोटा सा आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगा। सीरियल नंबर 20 जहां सिरसा का जिक्र होता है अप टू 11th November, एक सिंगल डेथ रिपोर्टेड नहीं है, जबकि मेरे खुद के कर्मचारी की बिटिया 11 साल की उनकी बिटिया है और डेंगू में हेमरेजिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई और ये कहीं पर भी सरकारी आंकड़ों में रिपोर्टेड ही नहीं। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने एक बात अपनी रखी इसके अंदर, मैं उसी के ऊपर एक सप्लीमेंट्री ये भी लगाना चाहूंगा कि VBDs की जो रिपोर्टिंग है सारे हॉस्पिटल्स की स्टेट को मैंडेटरी है, तो जो ये आंकड़े पेश किए गए हैं क्यों केवल सरकारी अस्पतालों के आंकड़े पेश किए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए इसके अंदर? क्योंकि आज के दिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो 14,000 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर केवल 4,500 डॉक्टर्स आज के दिन स्टेट के लिए काम करते हैं, सरकारी नौकरियों पे हैं। 10,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, तो उनके आंकड़े जो है वो क्यों नहीं रिपोर्ट? धुंधला जवाब नहीं, स्पष्ट जवाब के लिए एक हो गया था। एक सर इसी के अंदर दो सप्लीमेंट्री और भी है मेरे कि जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने UNLB एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज को 8 नवंबर को लेटर लिखा गया था कि फॉगिंग को इंटेंसिफाई किया जाए। मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से ये सवाल रखना चाहूंगा भाई, केसेस तो नवंबर के फर्स्ट वीक से लगातार उनके अंदर हमें बढ़ोतरी दिख रही है, प्रदेश को ये भी पता है कि भाई अक्टूबर के एंड में डेंगू के केसेस बढ़ने लग जाते हैं, तो क्यों 8 नवंबर तक वेट किया गया कि भी इस फॉगिंग को इंटेंसिफाई करा जाए? इस फॉगिंग को पहले क्यों नहीं इंटेंसिफाई कराएगा? डेंगू का मच्छर ये थोड़ी इंतजार करेगा कि जी कब लेटर आए और कब मैं किसी को काट सकता हूं नहीं काट सकता। बीमारी तो लगातार फैलती जाएगी, अगर आप इसके अंदर देरी करेंगे तो उसका नुकसान आदमी से ज्यादा आज के दिन इस देश के बच्चों को उठाना पड़ता है। सर एक मेरा इसके अंदर सवाल और भी है सप्लीमेंट्री, ये भी एक माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इस अवसर पर यह भी स्पष्ट करें कि रिक्त डॉक्टरों में टेक्नीशियन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को कब तक पूरा किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इस जवाब के अंदर कहीं पर भी ये जिक्र नहीं आया कि भी कमी कितनी है डॉक्टर्स की, जबकि यह हमें पता है कि हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, इक्विपमेंट की कमी थोड़ा है। तो वो भी अपना स्पष्ट करें कि इसको कब पूरा किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर। शुक्रिया अध्यक्ष साहब। सबसे पहला जो प्रश्न था वो था कि आंकड़ों पर